ओके सो है गाइस, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज और ये है एपिसोड 3। और आज हम बात करने वाले हैं ls कमांड के बारे में। ls, ठीक है। तो ls मतलब क्या होता है? ls मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। तो ls से भी कमांड हम यूज़ करते हैं, उसके साथ कुछ फ्लैग्स यूज़ होते हैं, कुछ ऑप्शन यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसे हम हाइफन यानी डैश के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि al, कैपिटल s, स्मॉल r, ठीक है। तो इन सब मतलब क्या है और ls कमांड से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आज वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने आप देख सकते हैं, मैंने टर्मिनल ऐप ओपन कर लिया और साइड में हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी ओपन हुआ है। तो आपको साथ साथ में दोनों चीज़ें देखती जाएंगी और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो जब भी हम कहीं भी काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप देख सकते हो PWD में करता हूँ, ठीक है। अभी मैं होम डायरेक्टरी पे हूँ, होम डायरेक्टरी बोलेगा तो आप देख लो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी हम टर्मिनल ओपन करते हैं तो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो हमें देखने के लिए जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या डायरेक्टरी है, उसे चेक करने के लिए हम ls कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल टाइप करते हैं ls, करते हैं एंटर, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी होंगी, जो भी फाइल्स होंगी, उसी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, वो हमारे टर्मिनल पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो डायरेक्टरी होती है उसे कलर जो होता है वो ब्लू होता है, जो फाइल होती है नॉर्मल फाइल वो उसका कलर वाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल टच इमरान डॉट टेक्स्ट मैंने फाइल बनाया है, ठीक है। अब ls करेंगे और देख सकते हैं डायरेक्टरी उसका कलर ब्लू है और जो फाइल है उसका कलर वाइट है, ठीक है। तो ये हुई नॉर्मल लिस्टिंग। अब इसके साथ हम कुछ ऑप्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि लॉन्ग लिस्टिंग, यानी कि हम चाहते हैं अपनी डायरेक्टरी और फाइल के और ज़्यादा डिटेल्स देखना कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि साइज़। तो हम इसमें ऑप्शन यूज़ करेंगे जो कि है ls स्पेस हाइफन l। हाइफन l मतलब होता है लॉन्ग, ls मतलब होता है लिस्ट, यानी लॉन्ग लिस्ट। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे जितने फोल्डर्स हैं, जो भी डायरेक्टरी है और फाइल्स है, उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट लेटर दिख रहा है ना डी, इसका मतलब होता है ये डायरेक्टरी है, और जो डैश दिखता है हाइफन दिखता है, इसका मतलब होता है ये नॉर्मल फाइल है। अभी इतना समझो, और जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे RWX, R डैश, ठीक है। जब हम फाइल परमिशन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करके बता दूंगा। अब हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो CD डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एक बार क्लियर करते हैं, ls करते हैं, ठीक है। या नॉर्मल फाइल आ गई ls हाइफन l, लॉन्ग लिस्टिंग आ गई। उसके बाद बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हिडन होती है, ठीक है। तो जो हिडन फाइल होती है बेसिकली, उसे हम देखने के लिए हम टाइप करते हैं ls हाइफन a, ठीक है। a मीन्स ऑल, जो फाइल्स हमें दिख रही हैं वो दिखेंगे ही, जो हिडन फाइल होगी वो भी हमें दिख जाएगी, ठीक है। हम प्रेस करते हैं, अब देख सकते हैं अभी मेरे पास यहाँ पर कोई हिडन फाइल नहीं है। तो हम काम करते हैं, एक हिडन फाइल बनाते हैं। हिडन फाइल बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, हम फाइल में जब भी देते हैं ना उसके पीछे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम टेस्ट फाइल डॉट txt, ठीक है, ये बन गया। टर्मिनल क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ls हाइफन l, जो हिडन फाइल है बेसिकली वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ls हाइफन a, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है देखो डॉट टेक्स्ट फाइल डॉट txt, ये हिडन फाइल है बेसिकली, ठीक है। दोस्तों अब हम एक और चीज़ करेंगे, हम जो है अब कॉम्बिनेशन के साथ ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम काम करते हैं ls लगाते हैं पहले, ठीक है। ls हाइफन l से लॉन्ग लिस्टिक, a से ऑल, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, हम होम डायरेक्टरी पे यहाँ पे हैं, हमने सिर्फ ls किया, हमारे पास इतने डायरेक्टरी और एक फाइल आया, हमने ls हाइफन la किया तो लॉन्ग लिस्टिंग कर दी ताकि ऐसे दिखे डिटेल्स में, और a मतलब ऑल पनी हिडन फाइल भी दिखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट कैश है, डॉट कॉन्फिग, ठीक है, ऐसे डॉट करके बहुत से हिडन फाइल्स है वो भी हमें दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ओके, तो जो हमने लिस्टिंग की है बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेम है जेसन, ये मेरा यूज़र नेम है, ये है हमारा जेसन दूसरा, ये ग्रुप नेम है, यहाँ पे फाइल का साइज़ है, ठीक है, उसके बाद डेट है कब ये फाइल बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ओके, तो हम बात करते हैं कि हम फाइल को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, ठीक है। ओके, तो मैं अभी होम डायरेक्टरी पे हूँ, अब हम सिंपली आते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ, यहाँ पे ls कर दिया मैंने, अभी इतने सारे फाइल्स हैं, और मैं काम करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे GUI मोड में ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 फाइल है, ठीक है। हम सिंपली करते हैं ls हाइफन l, तो हमें कुछ इस तरीके दिखता है। अभी आप देख सकते हैं जो साइज़ है 36 बाइट का, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो डिस्प्ले साइज़ ज़्यादा हो टॉप पे, उससे कम वाली मतलब कि नीचे है, उससे नीचे है, मतलब कि साइज़ के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे ls हाइफन कैपिटल s फिर l, ठीक है, l पे लॉन्ग लिस्टिंग, एंटर।
अब देख सकते हैं तो टास्क डॉट टेस्टी है, इस फाइल का साइज 36 बाइट के टॉप आ गया, उसका कम का नीचे, वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम कौन सा फाइल हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था उस वे में सॉर्ट करना। ठीक है, हम सिंपली करेंगे ls -l फॉर लॉन्ग लिस्टिंग, t फॉर टाइम। अब इंटर करते हैं, जो फाइल सबसे लास्ट में हमने बनाई है, ठीक है, सबसे लास्ट में हमने काम किया है वो टॉप पे आएगी। ठीक है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, सबसे लेट में जो हमने काम किया था, ये देखो 22:44 पे ये फाइल हमने बनाई थी, या फिर हमने इस पर काम किया था, ये सबसे नीचे आ गई। इसे हम अगर चाहें रिकर्सिव मोड में देखना यानी उल्टा, तो सिंपली हम कर सकते हैं ls -l टी और आर, आर फोर होता है रिकर्सिव। इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं जो फाइल में सबसे लेट में हमने काम किया था, जो पहले बनाई थी, सबसे यहाँ पे ऊपर आ गई है, सबसे लेटेस्ट वाली सबसे नीचे आ गई है। ठीक है, ठीक है, सब क्लियर करते हैं टर्मिनल। अब मान लो कि अभी हम डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में, हम चाहते हैं कि वन स्टेप पीछे का यानी कि जो होम डायरेक्टरी पे हमारा फाइल है उसको लिस्ट करना, तो हम क्या करेंगे, ls -l फॉर लॉन्ग लिस्टिंग कर देते हैं, स्पेस देते हैं और दो बार डॉट लगाते हैं, टू डॉट मतलब होता है वन स्टेप बैक। ठीक है, इंटर करेंगे कि हमारा वो डायरेक्टरी आ गया, उस डायरेक्टरी की फाइल आ गई जो वन स्टेप पीछे है। ठीक है, तो जब डॉट लगाएंगे, दो डॉट तो वन स्टेप पीछे, दो डॉट लगा के फिर स्लैश लगा के फिर दो डॉट लगाएंगे तो टू स्टेप बैक। मैंने cd कमांड में इस बारे में बताया हुआ है, तो वो सिर्फ बिल्कुल सेम काम करता है, तो आप cd कमांड जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, आते होम डायरेक्टरी पे। अब चाहते हैं हम किसी, अभी मान लो हम होम डायरेक्टरी पे हैं, हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिना जाए चेक करना किसके अंदर क्या क्या फाइल्स है, क्या क्या डायरेक्टरी है, तब क्या करेंगे ls -l, ठीक है, लॉन्ग लिस्टिंग के लिए स्पेस देंगे, फिर लिख देंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंटर करेंगे तो ये देखो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो हमारे शो होने लगी। ठीक है, हम चाहते हैं नहीं एग्जैक्ट पाथ देना, ठीक है, तो हम वो भी दे सकते हैं, जैसे कि ls -l होम json डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप एग्जैक्ट पाथ भी दे सकते हैं, एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टरी भी है और फाइल भी है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि हमें सिर्फ डायरेक्टरी देखनी है, फाइल नहीं देखनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे ls -l फॉर लॉन्ग लिस्टिंग, स्मॉल d फॉर ओनली डायरेक्टरी। ठीक है, फिर लगाएंगे स्टार स्लैश, फिर इंटर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी ही यहाँ पर प्रिंट होगी, लिस्ट होगी हमारे टर्मिनल पे, फाइल्स लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास। तो हम आते हैं सीधे, पहले उसे क्लियर कर देते हैं, ओके, फिर आते हैं cd डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ls करते हैं। ठीक है, तो हम, तो मेरे पास बहुत सिर्फ टेक्स्ट फाइल है, तो हम काम करते हैं एक pdf फाइल बनाते हैं, टच टेस्ट डॉट pdf। ठीक है, इंटर कर दिया। अब ls करके चेक कर लेंगे बना कि नहीं बना, देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट डॉट pdf का फाइल बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमें जो है ना जो सिर्फ टेक्स्ट फाइल है डॉट txt वाला वो देखना है, pdf वाली नहीं देखनी, वो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम करेंगे ls -l पर लॉन्ग लिस्टिंग, ठीक है, पेस्ट पेस्ट देंगे, फिर लगाएंगे स्टार। ठीक है, स्टार मतलब कि ऑल फाइल डॉट txt। ठीक है, अभी आप समझो, स्टार मतलब ऑल फाइल्स हमें लिस्ट कर दो जो डॉट txt उसके लास्ट में हो। ठीक है, इंटर करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे मान जो pdf वाला था वो लिस्ट नहीं हुआ, सेम काम pdf के साथ कर सकते हैं। ठीक है, pdf तो हमारे पास सिर्फ pdf वाला ही यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो गाइस इस तरीके से आप ls कमांड का यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं लिस्ट करने के लिए। दोस्तों ls कमांड के साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको जानना है कि और क्या क्या ऑप्शन ls कमांड के साथ यूज़ होता है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको लिखना है man ls। man मतलब होता है मैनुअल, किसका मैनुअल, ls यानी ls कमांड का। ठीक है, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -a -capital ऐसे क्या होगा, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं और फिर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस सारे ऑप्शन मैं आपको नहीं दिखा सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आपने ये सीख लिया आज ls कमांड के बारे में, ls कमांड क्या होता है। जल्दी मिलेंगे हम किसी नई कमांड के साथ, तब तक लिए वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार आ रहे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टमेंट लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल इतना दोस्तों, मैं सुनते वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।